गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं जो PPG के प्रीवियस पेपर हैं उनके सॉल्यूशन की। तो आज अपन ने जो चूज़ किया है 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ PPG का, तो उस पेपर को अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन जो अपन कर रहे हैं उसका अपना जो टारगेट है वो इस प्रकार है कि हमेशा जो आपके 10 to 12 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन एज आपके न्यू एग्ज़ाम जो होता है आपका उसमें रिपीट होते हैं। तो अपन कोशिश करेंगे कि जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के आपके मेन एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं तो उनको कवर करने की कोशिश की जाए। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकेंगे आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो किसी भी सेशन को मिस ना करें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपकी जो है लाइफ है वो चेंज कर सकता है। तो आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ आपका PPG का, उस पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम सैचुरेटेड इज नॉन एज। यानी कहने का मतलब, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी एयर है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और वो क्या होती है, फुली सैचुरेटेड होती है, यानी कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, 100% होता है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ड्यू पॉइंट, यानी कि ओस जो बोलते हैं। ओस में क्या होता है कि जो एयर जो होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट होती है वो 100% होती है, यानी सैचुरेटेड होती है, और वो क्या होती है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पे चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो एयर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाइड्रोलॉजिकल यूनिट वेयर फ्रॉम सरप्लस रन ऑफ ड्रेन थ्रू ए कॉमन पॉइंट इज नॉन एज। कहने का मतलब कि सरफेस पे जो रन ऑफ होके वाटर जो जा रहा है वो एक कॉमन एरिया में जाके एक कॉमन पॉइंट पे क्या होता है, इकट्ठा होता है थ्रो रन ऑफ, उस पॉइंट को या उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, तो उस प्लेस को अपन क्या बोलते हैं, वाटरशेड बोलते हैं। तो वाटरशेड क्या हो गया, एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट हो गई जहाँ से जो एरिया है जहाँ से रन ऑफ जो वाटर है वो आके एक जगह क्या होता है, इकट्ठा होता है। अपन बात करें तो जितनी दूर से रन ऑफ होके वाटर आ रहा है तो जितना एरिया वो कवर कर रहा है उसको बोलते हैं अपन कैचमेंट एरिया। ठीक है, और जो वाटर जहाँ पे आके एक जगह इकट्ठा हुआ है उस वाटर का जो वॉल्यूम है उसको कितनी दूर में कितने एरिया में अपन इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कमांड एरिया। तो ये आपको याद रखना है। तो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट क्या हो गई आपका, वाटर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is not a variety of इसबगोल crop? अब देखिए, वेराइटी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सीधा सा आपको तरीका बताते हैं कि किस प्रकार उनको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले अपन बात करें तो जो आपके मेडिसिनल एरोमेटिक्स स्पाइसेस क्रॉप्स जो हैं उनकी वेराइटी आपको याद करनी है, और साथ ही जो आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं, पल्सेज क्रॉप हैं, उनकी उन वेराइटी पे ज़्यादा फोकस करना है जो किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उसका लिस्ट में है आपको अपलोड जल्दी ही कर दूंगा। तो आपको उन्हीं वेराइटीज़ के बारे में डिटेल से स्टडी करनी है। साथ ही अपन बात करें तो आपको जनरल डिटेल सभी क्रॉप्स की होनी चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वैरायटी है वो इस गोल की नहीं है, यानी प्लांटेगो ओवेटा जो होता है उसकी वैरायटी नहीं है। तो S20 जो है वो वैरायटी इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगर केन क्रॉप इज कंसिडर्ड मैच्योर इफ सैंपल ऑफ जूस टेकन फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्टाल शो द हैंड रिफ्रेक्टोमीटर रीडिंग। कहने का मतलब, अपन जो मैच्योरिटी इंडाइसिस होता है, देखिए मैच्योरिटी इंडाइसिस क्या होता है, दैट आर करेक्टर विच इंश्योर द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या हार्वेस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं अपन मैच्योरिटी इंडाइसिस। यानी कि ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक जो ये शो करते हैं कि आपकी जो क्रॉप है वो मैच्योर है, उसको हार्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो इन करेक्टरिस्टिक को अपन क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी इंडाइसिस। तो मैच्योरिटी इंडाइसिस हैं
वो अपन बात करें सुगर केन में, तो उसमें जो अपन हैंड रिफ्रैक्टोमीटर होता है, रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है जिसका अपन TSS जो है मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ लेते हैं, तो उसमें कितनी रीडिंग जो है ये इंश्योर करवाती है कि आपकी जो क्रॉप है सुगर केन है उसमें सफिशियंट अमाउंट में TSS है और इस पे इस स्टेज पे अपन हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसमें थोड़े ऊपर नीचे दिए थे आपके, तो यहाँ अपन बात करें जनरली 18 से 20, ठीक है, तो वो डिग्री ब्रिक्स जो होता है उस पे क्या होता है हार्वेस्टिंग के लिए वो क्या होता है रेडी, लेकिन यहाँ पे 18 के लगभग कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, लेकिन इसलिए अपने इसका जो आंसर माना गया वो क्या माना गया 19 से 22। ठीक है, एक्चुअल में अपन बात करें तो 18 से 20 डिग्री ब्रिक्स है उस स्टेज पे क्या होता है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रेंट और एनाइन। कहने का मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं न्यूट्रेंट्स पे, यानी आयनिक फॉर्म में न्यूट्रेंट्स को प्लांट अपटेक करते हैं, तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट है जो क्या है एनाइन। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज वाला है कौन सा नेगेटिव चार्ज वाला है। तो यहाँ अपन बात करें तो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें सारे बोरोन को छोड़ के क्या है पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, और बोरोन क्या होता है आपका एनाइन होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो न्यूट्रिएंट्स की अगर अपन बात करें, सोइल साइंस का एक मेजर चैप्टर है जिसमें अपन न्यूट्रिएंट्स वगैरह पढ़ते हैं, उनकी वेरियस फॉर्म्स अपन पढ़ते हैं, साथ ही उनकी डेफिशिएंसी से किस प्रकार के डिसऑर्डर है वो कॉज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है याद करनी है। साथ ही अपन बात करें प्लांट और जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी है वहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो यहाँ इनके कौन सा चार्ज है एक चीज़ तो ये आपको ये याद करनी है, दूसरा प्लांट कौन सी फॉर्म इसकी ज़्यादा प्रीफर करता है अपटेक करने में, तो वो क्वेश्चन आपके IBPS SO हो चाहे PrePG हो हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया आपका आंसर बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोनी वीट। अब देखिए अपन बात करें क्लासिफिकेशन का, जिसमें अपन मैक्सिकन ड्वार्फ वीट की बात करें, इंडियन वीट की बात करें, ठीक है, और आपकी जो मैक्रोनी वीट है उसकी बात करें, तो इनके जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है, अब देखिए बोटेनिकल क्लासिफिकेशन किस किस क्रॉप का इंपॉर्टेंट है अपन बात करें, सबसे पहला है आपका वीट, इसी प्रकार अपन बात करें मेज, और आपके जो मिलेट्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है जिसमें फिंगर मिलेट है, ठीक है, जो अदर मिलेट्स हैं कोडो मिलेट है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं ट्रिटिकम ड्यूरम जो है वो क्या है आपका मैक्रोनी वीट है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो कौन सा है आपका मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है, इसी प्रकार अपन बात करें ट्रिटिकम स्पेरोकोकम तो वो कौन सा है आपका इंडियन वीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सोयाबीन सीड इज। देखिए मोड ऑफ जर्मिनेशन जो है जनरली आपको पल्सेज का ऑयल सीड क्रॉप्स का ही याद करना है, तो मोड ऑफ जर्मिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो प्रकार के मेजर क्या होते हैं मोड ऑफ जर्मिनेशन होता है, जिसमें एक होता है एपिजियल दूसरा होता है हाइपोजियल। ये अपन एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इपीजियल क्या होता है हाइपोजियल क्या होता है, यहाँ सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हाइपोजियल किस में होता है इपीजियल किस में होता है, ठीक है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं सोयाबीन में कौन सा होता है इपीजियल होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट पॉड्स फॉर सेफ स्टोरेज शुड। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसकी अपन जो सीड्स होते हैं वो डिपेंड करता है किस क्रॉप के हैं। अगर अपन बात करें जो आपके ऑयल सीड और जो स्पाइसेज है उनको अपन 6 to 8 मॉइस्चर पे रखते हैं, इसी प्रकार अपन बात करें पल्सेज तो उसको लगभग 8 से 10% मॉइस्चर पे रखते हैं, और उसी प्रकार अपन बात करें सीरियल्स को तो 10 से 12% मॉइस्चर है उस कंडीशन में उसको क्या करते हैं स्टोर करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, यहाँ देखिए आपको 6 to 8 आना चाहिए लेकिन ऑप्शन में क्या है 5, तो आपको यहाँ पे 5 याद करना है। वैसे अगर अपन बात करें जनरली तो क्या होता है 6 to 8 जो है मॉइस्चर कंटेंट पे अपन स्पाइसेस और जो ऑयल सीड क्रॉप है उनका स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेशन टू कंट्रोल वीड इन पर्ल मिलेट क्रॉप थ्रू हर्बिसाइड इज प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन।
अब देखिए, हर्बिसाइड वाला जो चैप्टर है, यानी कि जो वीड वाला जो चैप्टर है, उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो आपको याद करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो जो वीड्स होते हैं उनका जो करेक्टरिस्टिक है वो याद करने हैं, साथ ही उनके जो क्लासिफिकेशन है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अपन बात करें उसके कंट्रोल मेजर्स का, तो कंट्रोल मेजर्स में जो केमिकल कंट्रोल है उसमें जो हर्बिसाइड अपन एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन का जो टाइम है, प्री इमरजेंस है या फिर पोस्ट इमरजेंस है या स्टैंडिंग क्रॉप है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी बात अपन बात करें तो जो पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं उसमें कौन सा पॉपुलरली अपन हर्बिसाइड यूज़ करते आए हैं और उनकी डोज जो है वो भी आपको याद करनी है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि पर्ल मिलेट है उसमें, तो देखिए यहाँ पे जनरली अपन एट्राजिन उसमें यूज़ करते हैं और उसकी रेट जो है वो कितने रखते हैं, 0.5 kg, यानी कि 500 ग्राम जो है वो अपन पर हेक्टेयर जो है अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेपल लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर फॉर शॉर्ट स्टेपल ग्रेड। जो ग्रेडिंग होती है अपन बात करें कॉटन में, तो उनकी जो लेंथ होती है फाइबर की उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होता है, अलग अलग क्लास होता है। तो उसी में अपन पूछ रहे हैं कि इसमें जो शॉर्ट स्टेपल ग्रेड होता है उसकी जो क्लास होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो 19 mm से क्या होती है, वो कम होती है। इस प्रकार की जो ग्रेडिंग वाली सिस्टम है वो इंडिया में जनरली कुछ ही क्रॉप में ग्रेडिंग की जो फैसिलिटी है या ग्रेडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है। इसके अलावा सारा जो है मटेरियल अपन कंटिन्यूसली रफ भी बेच देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मार्केट में प्राइस होता है विदाउट ग्रेडिंग वो क्या होता है, कम होता है। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ दिनों पहले, यानी कि ये ट्रेंड में चल रहा है कि हर चीज़ जो है वो ग्रेडिंग में अपग्रेड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस वाटर फ्रॉम प्रिसिपिटेशन दैट मूव आउट द फील्ड एंड फाइंड्स वे टू रिवर लेक्स एंड ओशियंस इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि जो रेन ड्रॉप्स होता है वो जब अर्थ सरफेस पे गिरता है तो वो सोइल में पेनिट्रेट या सोइल में मूव ना करके वो रन ऑफ होके, यानी बह के कहीं कहीं रिवर्स में या ओशंस में चला जाता है, तो उस वाटर को अपन क्या बोल रहे हैं, रन ऑफ वाटर बोल रहे हैं। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि एक्सिस वाटर जो प्रिसिपिटेशन के थ्रू अर्थ सरफेस पे आता है लेकिन वो कहाँ पे चला जाता है, मूव होके बह के कहाँ चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है या ओशंस जो होते हैं उनमें चला जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, रन ऑफ। इसी प्रकार आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, प्रकोलेशन क्या होता है, सीपेज क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें बिल्कुल शॉर्ट में, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फिल्ट्रेशन। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इसको क्या बोल रहे हैं अपन, पर्कुलेशन। इसी प्रकार बात करें लेटरल मूवमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सीपेज। और वाटर हार्वेस्टिंग जो क्या होता है कि वाटर जो है उसको कलेक्ट करना, उसको किसी भी पर्पस के लिए अपन यूज़ करने के पर्पस के हिसाब से उसको क्या करते हैं अपन, इकट्ठा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंड कैपेबिलिटी क्लास सेकेंड इज सो बाई। देखिए लैंड कैपेबिलिटी क्लास जो है वो क्या है आपका, एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है जिसमें अपन लैंड की कैपेबिलिटी, उसकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करें, यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग ही सॉइल जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो इन जो कैटेगरीज हैं उनको अलग अलग कलर जो है उससे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो लैंड कैपेबिलिटी है उसकी क्लास सेकंड है उसका कलर किस प्रकार का होता है, तो उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, और लैंड कैपेबिलिटी क्लास में से प्री पीजी में हमेशा एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो इनकी जो एट क्लास है, एट क्लास उन सभी क्लासों का यूज़ किस किस पर्पज़ में, कौन सी क्लास किसके लिए यूजफुल होती है वो आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीसेंट सोइल विथ नो डायग्नोस्टिक होरिजन अदर देन ऑर्ट्रिक एपिडोन एंड सेलाइट डिग्री ऑफ प्रोफाइल डेवलपमेंट आर क्लासिफाइड एज। कहने का मतलब कि जो ऐसी सोइल जो रिसेंटली डेवलप हुई है जिसमें किसी प्रकार के कोई हॉरिजन जो है वो नहीं पाए जाते हैं, उस प्रकार की जो सॉइल होती है उसको अपन किस में
इंक्लूड करते हैं या उसको किस प्रकार जो है नाम देते हैं, तो इसका नाम अपन क्या रखते हैं, एंटी सोल। जिसमें डायग्नोसिस अपन करें तो उसमें होराइजोन जो है वो फाउंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर ऑफ एसएसपी इज, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है उसका मैन्युफैक्चर जो है, मैन्युफैक्चरिंग है वो किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि जो रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट जिसको जनरली एसिडिक सॉइल में यूज़ किया जाता है, तो जो रॉक फॉस्फेट है उसको एसिडिक कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, H2SO4 जो होता है, उससे रिएक्शन करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आपका, SSP। और सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है उसमें 16% क्या होता है आपके, फॉस्फोरस होता है, और इसमें सल्फर और कैल्शियम जो है वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट विच आर नॉट यूनिवर्सली असेंशियल बट इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ सम प्लांट स्पीसीज, जो आपके 17 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अलावा जो आपके 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं किसी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डायरेक्ट कोई रोल प्ले नहीं करते, लेकिन जो आपके मेन जो असेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनकी जो कैपेसिटी है, उनके काम करने की जो एफिशिएंसी है, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ जो देखिए जिंक है, मोलिब्डेनम भी है, आयरन, बोरोन, बोरोन, कॉपर सभी है, क्या है आपके, असेंशियल है। यहाँ अपन बात करें कोबाल्ट और वेनेडियम, तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की अपन बात करें तो उसमें कोबाल्ट है, वेनेडियम है, सिलिकॉन है, तो ये सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, खेरा डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग दिए हुए हैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए, तो डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयल एरिएशन स्टेट स्टेटस इज बेस्ड बेस्ड मेजर्ड बाई, जो सोयल है उसमें प्रॉपर एरिएशन है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए एक प्रकार का अपन डिटर्मिनेशन करते हैं, उसको बोलते हैं ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रैट। तो उससे अपन पता कर सकते हैं कि ये जो सॉइल है उसमें एरिएशन प्रॉपर है या नहीं है। तो ODR जो है, वाटर लेवलिंग जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में अलग होता है, और आपकी जो ड्राई कंडीशन होती है उसमें अलग होता है। तो इसमें जो मेनली अपन क्या मापते हैं, एरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VHT इज मोस्टली मेनली यूज इन विच फ्रूट, देखिए पहले अपन बात कर रहे हैं कि VHT होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें VHT का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट। तो वेपर हीट ट्रीटमेंट एक प्रकार का कंट्रोल है जो मैंगो जो होता है उसमें जो फ्रूट फ्लाई और स्टोन विविल नामक जो इंसेक्ट होते हैं तो उनसे डिस इन्फेक्शनेट करने के लिए अपन वेपर से क्या करते हैं, मैंगो को ट्रीट करते हैं ताकि उसमें अगर इन्फेक्शन हो तो उसको हटाया जा सके। तो किसमें यूज कर रहे हैं अपन, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ FAO 1977, जेंटली अंडुलेटिंग लैंड सरफेस हैज स्लोप, जो जेंटली लैंड सरफेस होता है, जेंटली जो स्लोप होता है वो कितना होता है, तो 2 से 5 के बीच में जो स्लोप होता है उसको अपन जेंटली स्लोप में इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू FAO, ठीक है। नेक्स्ट है, मैचिस क्यूरिंग गैमला प्लैंक मैथड इज, मैथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी वैल्यूएशन इज 4, यानी कि एक प्रकार की ये टेक्नोलॉजी है जो किस न्यूट्रेंट का डायग्नोसिस या उसका पता लगाने के लिए, यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी में प्रेजेंट है उसका पता लगाने के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये किसी प्रकार से जो है आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि ये जो है आपका क्वेश्चन पिछली साल जो है 18 में जो पूछा गया तो ये किसी भी बुक में जो है फाइंड नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू जो आपका यूनिवर्सिटी है उसी के अकॉर्डिंग इसका फॉस्फोरस माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट ट्रस्ट फंगस एल्बिगो कैंडिडा, जो आपके मस्टर्ड में लगता है, वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ओमाइसिटी जो है उससे बिलोंग करता है, और आपको ओमाइसिटीज का पता होना चाहिए कि ओमाइसिटीज जो होते हैं उन फंगस की क्या विशेषता होती है, कि उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस विच कैन किल द बैक्टीरिया इज नॉन एज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज अपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, तो जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है उसने सबसे पहले अपना सूक्ष्मदर्शी जो है बनाया, और उसमें सबसे पहले जो सेल है उसको देखने का जो श्रेय दिया जाता है वो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है, लेकिन उसने नॉन लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज इंटरनली सीड बोर्न। अब देखिए, अपन बात करें कि जो डिजीज जो होते हैं उनका जो प्रोपोग्यूल्स हैं वो सोइल में अगर होता है तो उसको सोइल बोन बोलते हैं, सीड में होता है तो उसको सीड बोन बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो प्राइमरी सोर्स बनते हैं, प्राइमरी जो प्रोपोग्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी डिजीज को कॉज होने में, तो उनको अपन सीड बोन, सोइल बोन, एयर बोन ये बोल सकते हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि इंटरनली सीड बोन डिजीज कौन सा होता है, तो यहाँ पे लूज स्मट ऑफ वीट जो होता है वो क्या होता है, इंटरनली सीड बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराथीन इज ए, केराथीन क्या है, एक प्रकार का नेमेटिसाइड है, बैक्टीरियासाइड है या इंसेक्टीसाइड है। तो आपको नेम्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो नेम्स हैं वो आपको याद करने हैं, और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स की अगर अपन बात करें तो वो कन्फ्यूज होते हैं इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड में, तो ये आपको प्रॉपरली याद करना है। कभी कभी स्टूडेंट्स की जो जवाब होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि जो इंसेक्टिसाइड है उनको भी फंजिसाइड, और जो फंजिसाइड होते हैं उनको इंसेक्टिसाइड बना देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और मोस्टली स्टूडेंट्स ये जो आपका कॉलेज का वाइवा वगैरह होता है उसमें ये गलतियाँ करते हैं। तो देखिए, ये छोटी सी चीज़ कि अगर आप इंसेक्टिसाइड को फंजिसाइड बनाते हैं, बना देते हैं, बोल देते हैं, तो आपका जो नॉलेज है उसका जो चेक करने के लिए जो एग्जामिनर होता है तो वो आपको इसी प्रकार के जो जवाब है आपके जो आंसर होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जज करता है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। तो केराथेन क्या है, आपका फंजिसाइड है, और केराथेन जो है वो सल्फर कंटेनिंग फंजिसाइड है जिसको पाउडरी मिल्ड्यू के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो इज कॉज्ड बाई, तो ब्लाइट जो है लेट और अर्ली जो ब्लाइट होती है पोटेटो में, तो अर्ली की अगर अपन बात करें अल्टरनेरिया सोलेनाई, और आपका जो लेट ब्लाइट है फाइटोप्थोरा इन्फेंटेस। इसी प्रकार अपन बात करें जो आपका टिक्का डिजीज होता है मूंगफली में, तो उसमें जो है सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला जो है वो क्या है, अर्ली का है, और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा है वो क्या है, आपका लेट टिक्का का कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्डेक्स मिक्सर वॉज डेवलप्ड बाई, सबसे पहले अपन बात करें बोर्डेक्स मिक्सर जो होता है एक प्रकार का कॉपर कंटेनिंग फंजिसाइड होता है जो डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज होता है उसके लिए यूज लिया जाता है। तो ये किसने बनाया था, पी एम ए मिलार्डरेट है, उसने सबसे पहले एक प्रकार का ये बोर्डेक्स मिक्सर है प्रिपेयर किया जिसमें कॉपर सल्फेट होता है, लाइम होता है, और क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो कॉपर कंटेनिंग फंजिसाइड हो गया, जो सबसे पहले किसके लिए यूज लिया गया, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेपवाइन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फर्स्टली फर्स्ट टाइम पे जो आपका बोर्डेक्स मिक्सर है वो किसके लिए यूज किया गया, तो जो आपका डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेपवाइन जो है उसके लिए सबसे पहले यूज किया गया, जो एक कॉपर कंटेनिंग फंगिसाइड होता है जो पीएमए मिलार्डरेट ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ नेमेटोलॉजी, तो नेमेटोलॉजी के फादर है एनए कॉब है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन सिस्ट निमेटोड इज फर्स्ट रिपोर्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू विच पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, ग्लोबोडोरा रोस्टिकाइनेसिस आपका गोल्डन निमेटोड है जो किसमें लगता है, पोटेटो में लगता है, तो आपको ये याद रखने हैं। निमेटोलॉजी की अपन बात करें तो उसमें जो 8-10 प्रकार के जो निमेटोड है जिसमें अपन बात करें सिस्ट निमेटोड है आपके, और जो गोल्डन निमेटोड है, सिट्रस निमेटोड है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आपके नेमेटोलॉजी में होगा तो वो आपको केवल यही पूछा जाएगा कि ये निमेटोड है या उसका कॉमन नेम दिया गया, जैसे कि यहाँ पे बात करें अपन गोल्डन निमेटोड, ग्लोबोडोरा जो रोस्टोकाइनेसिस है वो एक प्रकार का पोटेटो गोल्ड निमेटोड है, गोल्डन निमेटोड, तो वो जो आपके नीलगिरी हिल्स है वहां से क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, यानी उस पार्ट में ये जो निमेटोड है वो ज्यादा है, तो इसको क्योरेंटाइन पर्पज के लिए कि अदर जो पार्ट्स है इंडिया का वहां पे ये ना फैले, तो वहां से जो सीड वगैरह है वहां से लाना, अदर जो पार्ट है उसमें लाना रेस्ट्रिक्टेड है।
उसके बाद में बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट ऑफ द नेमेटोड प्ले ए वाइटल रोल इन होस्ट फीडिंग। देखिए यहाँ अपन बात कर रहे हैं नेमेटोड की, इसी प्रकार अपन बात करें जो पैरासिटिक जो फंगस होती हैं उसकी, इसके अलावा अपन बात करें कुछ प्लांट्स हैं वो भी फीडिंग के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि नेमेटोड की बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो पैरासाइट या किसी होस्ट से क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे बोलते हैं एम्फिड। क्या बोलते हैं अपन? एम्फिड बोलते हैं। तो ये एम्फिड जो होता है आपके, जिस प्रकार फंगस जो होता है तो फंगस की बॉडी में जो होस्टोरिया बनते हैं, चूसकांग जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है जो होस्ट की फीडिंग करने में हेल्प करती है। इसी प्रकार अपन बात करें जो अमरवेल होता है तो उसमें भी क्या होते हैं? होस्टोरिया होते हैं, और आपकी जो फंगस है वो भी होस्टोरिया बनाती है ताकि फीडिंग जो है वो कर सके आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेफ्लाई बिलोंग्स टू ऑर्डर। देखिए एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें जो स्पेशल इंसेक्ट जो होते हैं जिसमें आपको याद रखना है कि किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, और इनका जो नेचर ऑफ डैमेज है वो भी याद रखना है। साथ ही अपन बात करें जो एंटोमोलॉजी है उसमें आपके 9 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं, तो वो अपन कोशिश करेंगे कि एक दो दिन में उनका भी एक इस प्रकार का फॉर्मेट बनाएं कि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट हैं उनको ये जो माइनर सब्जेक्ट हैं या जो प्रोटेक्शन ग्रुप के सब्जेक्ट हैं उनमें कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो उसका भी अपन जल्द ही सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें जो एम्फिपनेरा जो ऑर्डर है वो किसका है? मेफ्लाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म माइक्रोबियल कंट्रोल वाज फर्स्ट यूज्ड। माइक्रोबियल कंट्रोल जो है वो किसने यूज किया? स्मिथ जो है उसने यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्यूबुलर गल पॉपुलरली नोन इज ए सिल्वर सूट इन राइस इज कॉज्ड बाई। अब देखिए स्पेशल सिम्टम्स की अगर अपन ने बात की कि कोई भी इंसेक्ट जो किसी प्लांट में डैमेज जो करता है तो उससे स्पेशल करेक्टरिस्टिक जो है डेवलप होते हैं, उस सिम्टम्स को आपको याद रखने हैं। तो जो आपका गाल मिज है वो एक स्पेशल जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है जिसको सिल्वर सूट और अनियन लीफ बोलते हैं अपन राइस में, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि सिल्वर सूट है वो कौन कॉज करता है, तो ओरसेलिया ओराइजी है जिसको गालमिज बोलते हैं अपन जनरल में, उसके द्वारा कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइकोप्लाज्मल डिजीज सिसेम फाइलोडी ट्रांसमिटेड बाई। देखिए माइकोप्लाज्मा नहीं होता है वो क्या होता है? फाइटोप्लाज्मा, लेकिन एग्जाम में दिया हुआ है इसलिए अपन उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो फाइटोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो एक तो वायरस और आपके फाइटोप्लाज्मा होते हैं वो अपने आप में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प जो करते हैं वो होते हैं आपके वैक्टर्स। तो यहाँ पूछा जा रहा है तो वैक्टर्स हैं आपको लगभग 20 वैक्टर्स जनरली यूज़ किए जाते हैं या यूज़ होते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं कि ये जो वैक्टर है वो किस डिजीज़ के कोजल ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। तो इसकी अपन बात करें सेस्टिस और सेस्टिस फाइसिटीज जो है वो इसका वेक्टर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसेक्ट इंफेक्शन इन्फेस्टेशन अकर्स इन सीवियर फ्रॉम ए रीजन और लोकेलिटी एट ए पर्टिकुलर सीजन और टाइम इज कॉल्ड। यानी किसी प्रकार का आउटब्रेक बोल सकते हैं अपन कि किसी पर्टिकुलर रीजन में एक इंसेक्ट है उसका अचानक से क्या होता है? डैमेज होता है उसके द्वारा, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अपन एपिडेमिक। अभी अपन प्रेजेंट में बात करें तो आपका जो कोरोना वायरस है वो भी एक प्रकार का क्या है? एपिडेमिक है, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में और अचानक से सीवियर उसकी क्या हो रहा है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर साइरा पुरुचिसाई इज ए पेस्ट ऑफ। तो ये बॉटनिकल इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है, इंसेक्ट है ये, तो ये किस पेस्ट का जो है साइंटिफिक नेम है? तो यहाँ पे अपन बात करें जो सिट्रस में जो पेस्ट लगते हैं उसका नाम है। इसी प्रकार अपन बात करें लगभग 2000
16 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस प्रकार पूछा गया, कोर्टनी कुसेन स्केल इज द मेजर पेस्ट ऑफ। तो कोर्टनी कुसेन स्केल है, बच्चों ने क्या किया, सबने क्या कर दिया, कॉटन। तो कोर्टनी कुसेन स्केल भी किसका है, आपका सिट्रस का है। तो इस प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं उनको आपको पेस्ट जो होते हैं वो आपको याद करने हैं कि पर्टिकुलर कौन सी क्रॉप में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मलेरियल पैरासाइट वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो जो मलेरियल का जो पैरासाइट जो होता है, प्रोटोजोआ जो होता है, वो किसने डिस्कवरी किया, तो यहां अपन बात कर रहे हैं सर रोनाल्ड रोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गालमीज बिलोंग्स टू ऑर्डर। जो गालमीज होता है, सिल्वर सूट और अनियन लीप जो सिम्टम्स अपियर होते हैं जिससे, तो वो किससे, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो डिप्टेरा जो है उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्रीपायरस मिलोनेलेका इज द पैरासिटॉइड ऑफ। तो ये शुगर केन लीफ होपर है, उसका पैरासिटॉइड है। पैरासिटॉइड की लिस्ट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में है वो डाल दूंगा कि कौन सा इंसेक्ट है उसका पैरासिटॉइड अपन कौन सा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए मेन जो फंक्शनल चीज होती है वो होती है उसकी सेल वॉल। तो सेल वॉल से अपन क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल वॉल आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडलेस बनाना आर ऑन अकाउंट ऑफ। तो ये किसकी वजह से होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी की वजह से क्या होता है, आपका बनाना जो है वो क्या होता है, सीडलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन मींस, सेग्रीगेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ टू एलील्स। तो जो टू एलील्स हैं उनका ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं अपन सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल विथ ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू इंडिविजुअल हैविंग ब्लड ग्रुप। तो जो ए बी होता है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी को ही कर सकता है, ठीक है। यानी क्या होता है, ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है। इसी प्रकार अपन बात करें यूनिवर्सल डोनर की, तो वो क्या होता है आपका, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज इज क्रॉस पोलिनेटेड बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोनोसियस एंड प्रोटो एंड्री कंडीशन। तो प्रोटो एंड्री जिसमें आपका एंड्रोसियम है वो पहले मैच्योर हो रहा है और गायनोशियम बाद में मैच्योर होता है, तो इस कंडीशन को अपन क्या क्या बोल रहे हैं, प्रोटो एंड्री। और मोनोसिस का मतलब होता है कि मेल और जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वो सेम प्लांट में होते हैं लेकिन अलग अलग फ्लोर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री लाइन मेल स्टेरिलिटी सिस्टम आर कॉमनली यूज इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो जो थ्री लाइन सिस्टम होता है मेल स्टेरिलिटी, तो वो अपन जनरली बाजरा में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द पार्ट ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम द मदर टिश्यू इज नोन एज जीनिया। ठीक है, तो जीनिया और मेटाजीनिया है वो आपको देखना है कि इसमें किसका इफेक्ट जो है पोलन ग्रेन्स का आ रहा है और किसमें इफेक्ट जो है आपके अदर पार्ट्स पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेडिग्री सिलेक्शन मैथड द सिलेक्शन विथ इन फैमिली इज no longer very effective, so emphasis shift anteriorly to selection among families. तो इसका जो आंसर है वो F2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट ऑफ द प्लांट इन न्यू एनवायरमेंट। यानी किसी भी प्लांट का जो एडजस्टमेंट है किसी नए एनवायरमेंट में क्या होना, उसको अनुकूल होना, उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन जैसे कि अपन बात करें जो वाइल्ड एनिमल्स जो थे उनका अपन ने क्या किया, डोमेस्टिकेशन किया। तो उस जो एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव करना क्या कहलाता है आपका, डोमेस्टिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट विंटर सीजन कट फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो सीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है वो चाहे आपके फ्लावर का हो चाहे वो वेजिटेबल का हो, एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद करनी है कि इसमें से कौन सा विंटर सीजन का है, कौन सा आपके समर सीजन का है, वेजिटेबल्स और फ्लावर का क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानीज स्टाइल ऑफ गार्डन्स आल्सो नोन एज। तो जापानीज गार्डन जो होते हैं, गार्डन्स वाला चैप्टर की अपन बात करें तो इनफॉर्मल का वो एग्जाम्पल होता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए नॉर्मल हो गई। नेम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच कंट्रोल फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप।
जो फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो इनमें से 2,4-D जो है वो 20 ppm से अगर कम यूज़ करते हैं तो वो फ्रूट और फ्लावर ड्रॉप है उसको रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ विंटर सीजन वेजिटेबल विच इज फोटो एंड थर्मो सेंसिटिव, यानी प्रकाश और जो आपका थर्मो यानी टेम्परेचर है उससे क्या होती है सेंसिटिव, तो वो कौन सी आपकी कॉलीफ्लावर होती है। उसके बाद में फॉरेस्ट्री में है, नेम डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज राजस्थान। तो उदयपुर की अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है फॉरेस्ट होता है। उसके बाद में अपन बात करें आपका सवाई माधोपुर है, सिरोही है, तो उस पार्ट में भी आपके काफ़ी फॉरेस्ट डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लगभग 3 बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके प्रीपीजी में, कैनिंग ऑफ फ्रूट ऑन कॉमर्शियल स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बार। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं आपके निकोलस एपर्ट है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकोलस साहब जो है यहाँ पे गायब है। तो विलियम अंडरवुड है वो क्या साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो कैनिंग था उसको कॉमर्शियल लेवल पे ले जाने का प्रयास किया। तो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैनिंग को स्टार्ट करने वाला साइंटिस्ट निकोलस एपर्ट था, लेकिन उसको कॉमर्शियल लेवल पे ले जाने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, विलियम अंडरवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट एरिया अंडर क्यूमिन क्रॉप इन इंडिया इज स्टेट। तो क्यूमिन की अपन बात करें तो राजस्थान जो है वहाँ पे क्यूमिन सबसे ज़्यादा होता है, और जो 12 रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्यूमिन है वो उसका प्रोडक्शन होता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स एंड पॉड्स ऑफ सेनना, सेनना जो है केसिया अंगस्टिफोलिया आर यूज्ड फॉर कंट्रोल। तो ये जो आपका केसिया अंगस्टिफोलिया है, सेनना जिसको बोलते हैं सेनना, वो किस पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन जो है यानी कब्ज जो होती है उसके लिए जनरली यूज़ करते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपको पूछा जाता है, स्क्वेश शुड कंटेन एटलीस्ट फ्रूट जूस। अब देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद करनी है कि जो भी आप इस प्रकार के प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसमें एक तो होता है फ्रूट कंटेंट्स और दूसरा होता है उसमें TSS। तो आपको याद करना है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे फ्रूट जूस पूछ रहा है यानी फ्रूट कंटेंट पूछ रहा है, तो 25% क्या होता है उसमें फ्रूट कंटेंट होता है स्क्वैश में, और 40 से 45% के लगभग क्या होता है उसमें TSS कंटेंट होता है। जेम जेली जो भी है आपके कॉर्डियल है, मार्मलेड है, प्रिजर्व है, पिकल्स हैं, तो उनमें TSS कंटेंट है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमम मीडिया टू ग्रो वेजिटेबल सीडलिंग इन प्रोटरेज। जो प्रोटरेज होती है जनरली नर्सरी जो होता है उसमें सीडलिंग तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें जो मीडिया अपन यूज़ करते हैं कोकोपीट सैंड और सोइल, तो उनका जो प्रोपोर्शन है अनुपात जो है वो अपन 1:1:1 रखा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेट कंटेन्स क्रूड फाइबर। मैंने जब आपको एनिमल हस्बेंड्री बताया था तो उसमें अपन बात करें तो उसमें जो क्रूड प्रोटीन है, क्रूड फाइबर है, और टोटल जो डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अपन ने बात की थी, तो 18% से कम अगर क्रूड फाइबर होते हैं तो वो क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। तो कंसंट्रेट में क्या होता है कि फाइबर 18 से कम होते हैं और उसमें TDN जो है वो क्या होता है 60 से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार अपन बात करें रफेज जो होता है उसमें क्या होता है, क्रूड फाइबर जो है 18 से ज़्यादा होता है और TDN क्या होता है 60 से कम होता है। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैमरोजिक सेप्टिसीमिया, जिसको अपन गलघोटू बोलते हैं, हेमरोजिक सेप्टिसीमिया डिजीज कॉज्ड बाई, तो किससे कॉज होता है, बैक्टीरिया से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसमें से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें केवल और केवल आपको इतना पूछा जाएगा कि ये डिजीज है वो किस कॉजल ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, और हमेशा मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कभी भी क्रैक नहीं होते हैं एग्जाम में, आपको पैटर्न क्रैक करना होता है अगर आपको आगे आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है। बफेलो बिलिंग ब्रीड्स हैव सिकल शेप है हॉर्न, तो ये आपको पता है कि सूरती जो होते हैं उसमें कैसे होते हैं सिकल शेप, यानी दराती जो होती है उस आकार के सींग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड ऑफ कैटल फाउंड इन राजस्थान। जो ड्राई पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं उसको अपन ड्राफ्ट जो ब्रीड है वो बोलते हैं। तो राजस्थान में नागौरी जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है एज ए ड्राफ्ट पर्पज़ ब्रीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन ब्रीड नेटिव ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में जिसका नेटिव हो ऐसी ब्रीड है वो कौन सी है, तो प्रतापधन है, वो आपके जो MPUT उदयपुर है वहाँ पे डेवलप की गई आपकी चिकन की ब्रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, आपके एनिमल ब्रीडिंग में से क्वेश्चन है, जो मैंने आपको टॉपिक ऑलमोस्ट अच्छे प्रकार से करवा दिया है, एक बार उसको फिर देख लीजिएगा। हमेशा एक क्वेश्चन है आपके एनिमल ब्रीडिंग से पूछा जाता है, तो मैं आपको एग्जाम क्रैक करने के तरीके बता रहा हूँ कि आपको कौन से पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, और पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे तो आपके आराम से आपको जो भी आपकी इच्छा हो वो आपको आपको कॉलेज इस बार मिल जाएगी। तो इन ब्रीडिंग है उसमें क्लोजली रिलेटेड अपन एनिमल्स के बीच में मैटिंग करवाते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन इन ब्रीडिंग। इसी प्रकार इन ब्रीडिंग में से भी आपको एग्जाम्पल दे के पूछा जा सकता है कि क्लोजली यानी मोर देन 50% रिलेटेड है या लेस देन 50% रिलेटेड है, साथ ही अनरिलेटेड है तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीडिंग ऑफ सायर ऑफ ए गिवन ब्रीड टू नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल एंड देयर ऑफ स्पेयरिंग फॉर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जब आपको एनिमल ब्रीडिंग मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ऐसी फीमेल जिसकी पेरेंट्स हैं वो पता नहीं अपने को कौन है, कौन सी ब्रीड है वो, उसका अपन क्या करवाते हैं, किसी प्योर मेल से क्रॉस करवाते हैं, और ये जो क्रॉस करवाते हैं अपन जनरेशन आफ्टर जनरेशन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि आपको जो प्रोजेनी मिले वो प्योर ब्रीड है उसके रूप में मिल सके, तो इसको बोलते हैं ग्रेडिंग अप। लास्ट ईयर यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, ये तीन जो क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो जो अपनी बुक है ट्रीजर ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसमें एक सिंगल पेज में से ये तीनों क्वेश्चन कवर हुए हैं, जिसमें अपन बात करेंगे ये वाला क्वेश्चन 65, 66 और 67 जो क्वेश्चन है वो ट्रीजर ऑफ एग्रीकल्चर में, अपन बात करें जो एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग, तो उसमें से लगातार एक पेज में से सिंगल पेज में से तीन क्वेश्चन है वो कवर हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि अपने को किस बुक से पढ़ना है तो वो प्रेफर कर सकते हैं, मेरी बुक का नाम है ट्रीजर ऑफ एग्रीकल्चर, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी और भी डिटेल जो है मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो ग्रेडिंग अप बोल दिया कि नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ है उसका अपन प्योर मेल से क्रॉस करवाते हैं, और ये अपन जो क्रॉस करवा रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। तो किसी भी एनिमल्स को सेलेक्ट करने के लिए उसको इंडिविजुअल जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके पेरेंट है उससे मतलब नहीं रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन सिलेक्शन इंडिविजुअल सिलेक्शन। इसी प्रकार जो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अपन पेडिग्री सिलेक्शन। सिर्फ सिलेक्शन जो है वो जो उसकी उसके ब्रदर या सिस्टर जो है उनका जो प्रोडक्शन है एनिमल्स में उनके अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन करते हैं, और फैमिली में है उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है। इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन, किसी भी लाइव स्टॉक के सक्सेसफुल होने का जो रीजन होता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे एनिमल अपने कौन से सेलेक्ट किए हुए हैं। तो सिलेक्शन करने का सबसे बेस्ट मेथड है टोटल स्कोर, या इसको सिलेक्शन इंडेक्स भी बोलते हैं, जिसमें जो भी एनिमल होता है उसकी जो बॉडी होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको मार्किंग दी जाती है, तो उन मार्किंग का अगर टोटल जो सम है वो कितना होता है 75 से अबव होता है उसको अपन बेस्ट जो है एनिमल का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ पार्टुरेशन इज गॉट इज कॉल्ड। जो पार्टुरेशन जो होता है प्रसव जिसको बोलते हैं, तो ये आपको याद करना है टर्मिनोलॉजी। तो किडिंग बोलते हैं अपन गॉट में, लैम्बिंग बोलते हैं अपन सीप में, और काविंग बोलते हैं अपन किस में आपके काऊ और बफेलो में, और फेरोविंग किस में बोलते हैं अपन स्वाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट के हैं, द इनडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ, तो इसको अपन बोलते हैं नॉमिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर दोज गुड्स हैविंग रिलेटिव इलास्टिक डिमांड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन वन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैम इन टू एक्सिस्टेंस इन 1982, यानी कहने का मतलब कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है वो 1982 में क्या हुआ, डेवलप हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। तो नाबार्ड जो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है, वो 1912 जुलाई 1982 में डेवलप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एज द नंबर ऑफ मार्केटिंग चैनल्स इंक्रीज द प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डिक्रीज। ठीक है, द लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न्स इज रिलेटेड टू, तो लॉ ऑफ डायमेंशन जो रिटर्न्स है वो किससे रिलेटेड है, तो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंटिंग मेथड ऑफ प्रोजेक्ट एनालिसिस एम्प्लाइज फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट सम, तो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द मार्केट डीलिंग विद द एग्रीकल्चर कमोडिटीज एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉल्ड, तो इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी होलसेल मार्केट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट मार्केट, होलसेल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ, ठीक है, तो जो आपका सीवी है उसको अपन किस प्रकार डिनोटेट करते हैं, किस प्रकार सीवी निकालते हैं, तो जो आपका अर्थमेटिक मेन है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आरबीडी विद द फोर रेप्लिकेशन एंड फाइव फोर ट्रीटमेंट्स एंड फाइव रेप्लिकेशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, तो वो किस प्रकार निकालते हैं अपन, तो फोर और फाइव ट्रीटमेंट फोर है और एप्लीकेशन क्या है आपके फाइव है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एरर है वो कितने होंगे, 12 है। तो इसका फॉर्मूला होता है वो आपको फॉर्मूला लिंक में जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, द कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी बिटवीन, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो किसने दिया, कॉल्ड पियर्सन ने दिया, और इसकी जो रेंज, देखिए रेंज आपको सभी की याद करनी है, सीवी की जो है रेंज क्या होती है, आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी रेंज क्या होती है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी रेंज क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स में ये फिक्स क्वेश्चन है आपके, तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो प्लस माइनस वन टू प्लस वन जो है इसका क्या होता है, आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफॉर्मल रूल्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो इनफॉर्मल बिहेवियर में अपन जो बदलाव लाते हैं कि अपने अकॉर्डिंग किसी प्रकार का कोई बाइंडेशन नहीं होता है, अपन किसी को जो है बिहेवियर अपन कैसा भी रख सकते हैं, अपन किसी प्रकार का बर्ताव भी कर सकते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लॉक वेज। ठीक है, विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट एट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, तो जो फोकल पॉइंट जिस पे अपन मैन फंक्शन फोकस करते हैं, सब्जेक्ट मैटर जो होता है आपका लर्निंग और टीचिंग में वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट मैटर, यानी किसी भी टीचिंग जो मेथड होता है उसका मेन जो फोकस होता है, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उसका सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेज ऑफ अडॉप्टेशन प्रोसेस इज मेंटल ट्रायल, देखिए पिछली बार जो क्वेश्चन आया कि आपका जो अडॉप्टेशन है इज ए प्रोसेस ऑफ, तो एक प्रकार का मेंटल प्रोसेस है, अपने जो दिमाग का डाइवर्ट है, डाइवर्शन है उसका, उसको क्या बोलते हैं अपन, अडॉप्टेशन बोलते हैं, किसी भी चीज़ को अपन अडॉप्ट कर लेना, तो उसमें जो इवोल्यूशन है वो क्या है आपका, मेंटल ट्रायल है। इसी प्रकार अपन बात करें, अर्ली अडॉप्टर इन रिलेशन टू अडॉप्टर्स कैटेगरी, तो जो कैटेगरी दी गई है आपके किसी भी चीज़ को अपनाने के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, इनोवेटिव है आपके, अर्ली अडॉप्टर है, लेट मेजोरिटी है, रिगार्ड्स है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अर्ली अडॉप्टर्स, तो वो कितने होते हैं, 2.5 होते हैं, जो सबसे पहले किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद में है, द वर्ल्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन, जो किससे बना है आपका, कम्युनिस्ट से बना है, और आपका ये जो कम्युनिकेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं अपन, चैप्टर बोल सकते हैं या पॉइंट बोल सकते हैं आपके एक्सटेंशन में, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इज नन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉन एज पिक्चर ड्रामा, तो पिक्चर ड्रामा है वो किसको बोलते हैं, जो फ्लैश कार्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिक्चर ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए नॉट ऑफ ग्रुप ऑफ टीचिंग मैथड, तो यहाँ पे अपन बात करें तो जो टीचिंग मैथड है उसका ग्रुप नहीं है, तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, एक टीचिंग मैथड का टाइप नहीं है, अदर जो है कैंपेनिंग है, मैथड डेमोन्स्ट्रेशन है, फील्ड डे है, तो ये सारे क्या है आपके, टीचिंग के मेथड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, टेक्नोलॉजी असिस्मेंट एंड रिफाइनमेंट यानी TARI टुक प्लेस थ्रो, तो वो IVLP जो है इसका आंसर क्या है, IVLP। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर इज ए वर्ड फ्रॉम ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी कि एंटरप्रेन्योर है जो किस प्रकार का वर्ड है, किस लैंग्वेज का वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फार्मर्स इज वन ग्रुप वेयर टू बी सिलेक्टेड एंड कॉन्टेक्ट फार्मर इन केस ऑफ TV सिस्टम, ट्रेनिंग एंड विजिटिंग सिस्टम में कितने फार्मर्स हैं उनको एक ग्रुप में सिलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि कितने का ग्रुप होता है, तो 20 जो आदमी होते हैं उनका ग्रुप रखा जाता है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज इज ए सॉर्ट ऑफ, यानी लैक्टोज है वो क्या है, इसमें से अपन मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, यहाँ पे अपन बात करेंगे डाइसेक्राइड यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनके क्या बनता है आपका, लैक्टोज, जो दूध में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइड बॉन्ड इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ विच बायोमोलिक्यूल्स, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो किस बायोमोल्स का क्या होता है आपका करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो प्रोटीन्स जो होते हैं उनका क्या होता है, पेप्टाइड उनमें बॉन्ड पाए जाते हैं, और जो प्रोटीन होती है वो एमिनो एसिड से बनी होती हैं, और एमिनो एसिड जो है वो आपके जो नाइट्रोजन बेस है उनसे बने होते हैं, प्यूरिन पाइरिमिडिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन ग्यूनीन इज बॉन्ड टू साइटोसिन, तो इसमें अपन बात करें जो एडिनिन और ग्वानिन है और जो थाइमिन और जो साइटोसिन है वो जुड़े होते हैं आपस में, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से हैं, वो जुड़े होते हैं, तो कितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इसमें आंसर होता है आपका 3। ठीक है, तो जो DNA की अपन डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें एडिनिन ग्वानिन थाइमिन और जो आपका जो साइटोकाइनिन है साइटोसिन है वो आपस में लिंक्ड होते हैं, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ग्वानिन और साइटोसिन की, तो 3 बॉन्ड होते हैं, और एडिनिन और जो साइटोसिन होता है वो आपस में 2 बॉन्ड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट, यानी कि फोटोसिंथेसिस की अपन बात करें तो फोटोसिंथेसिस अपन सेल में देखें तो कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल आर ड्राइव्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोविंग, जो फिनोल्स होते हैं जिसमें अपन बात करें एरोमा जो होती है प्लांट में फ्रूट में, तो वो फिनोल्स के कारण होती है, तो वो किससे ड्राइव्ड होता है, तो फाइलेनेनिन जो होता है उससे ड्राइव्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूट इलोंगेशन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन, तो जो सूट है यानी जो स्टेम पार्ट है वो उसका इलोंगेशन जो होता है उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वो किस कारण होती है, तो साइटोकाइनिन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट टिश्यू कल्चर रिलाइज ऑन द एबिलिटी ऑफ सर्टेन पोर्शन सेल्स प्लांट टू रीजनरेट वॉल प्लांट, दिस एबिलिटी रेफर्स टू, यानी कल मैंने आपको जब सोल्व करवाया था बायोटेक्नोलॉजी का पेपर, तो टोटोपोटेंसी है इज ए एबिलिटी ऑफ द सेल टू डेवलप और रीजनरेट ए फुल प्लांट बाय थ्रो ए सिंगल सेल, तो इसका टोटोपोटेंसी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोटे प्लांट्स अंडरगो फ्लोरिंग व्हेन, तो सोटे प्लांट है उनमें फ्लोरिंग है वो कब होगी, जब क्या होगा नाइट लेंथ एक्सीड, रात जो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ेगी और जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है वो प्लांट को अचीव होगा, तब क्या होगा जो सोट डे प्लांट है उनमें क्या होगी फ्लोरिंग होती है। फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग इज इन प्लांट इज मेनली अफेक्टेड बाई, जो फ्रूटिंग और फ्लोरिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है जहाँ पे अपन बात करें वाइबिलिटी का, तो वहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है बोरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड यील्ड्स द प्रोडक्ट, यानी बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है उससे जो फैटी एसिड जो बनते हैं उनकी जो यील्ड होती है वो क्या होती है, तो एसिटाइल क्या बनता है कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीग्रीनिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन विच फॉलोइंग फ्रूट,
डी ग्रीनिंग की जो प्रोसेस होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीपीजी में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। तो डी ग्रीनिंग का जो प्रोसेस है वो किस में यूज़ किया जाता है, आपके सिट्रस फ्रूट में होता है, यानी जो कलर होता है उसका ग्रीन कलर होता है उसको डिसअपियर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये इस चैप्टर में अपन ने बात की आपका प्रीपीजी का 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन की। मैंने कोशिश की है हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने की, फिर भी आपके सजेशंस हैं वो इनवाइट हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या किसी बुक में किसी क्वेश्चन को अलग सोल्व कर रखा है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही अपन बात करने वाले हैं जो और जो एग्जाम्स हुए हैं उन क्वेश्चनों की भी, कि इस सब्जेक्ट से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की, साथ ही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है उसको अच्छी तरीके से देखें ताकि आपके एग्ज़ाम है उसमें हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अपन वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।